देखिए इस वक्त मैं अब बीएसएफ के क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज के साथ, चूंकि ये सफर की शुरुआत मैंने की है और आपको दिखा रही हूँ मैं कि किस तरीके से ये सरहद को महफूज रखते हैं। और अब इस वक्त जहाँ मैं जाने वाली हूँ, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस वहीं पर आते हैं। हरामी नाला, ये नाम आपने सुना होगा, अटपटा आपको ज़रूर लगा होगा, लेकिन इसका नाम यही है। अब उस हरामी नाले में किस तरीके ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तरीके से बीएसएफ की पूरी टीम पेट्रोलिंग करती है, ये कमांडोज पेट्रोलिंग करते हैं, उसकी तस्वीर इस शिप के जरिए हम वहां पर पहुंचेंगे, बोट के जरिए। और एक तरफ कमांडोज भी आपको तैनात नजर आ रहे होंगे, और अब इन्हीं कमांडोज के साथ मेरा ये सफर यहां से शुरू होने वाला है। पेट्रोलिंग के लिए हम निकल रहे हैं। दरअसल ये वो इलाका है जहां से कमांडोज पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं हरामी नाले में, और बोट के जरिए वहां पर पहले पेट्रोलिंग कैसे होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा कैसे वहां पर बेड सर्चिंग या मड वॉक हम कह लें वो करते हैं ये कमांडोज। तो चलिए आपको दिखाती हूँ जिस हरामी नाले को अभी तक आपने सुना है कि सबसे ज़्यादा जो चैम्बर्स हैं उसकी कई हज़ार किलोमीटर्स में फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा गहरा है। सुनने में ये नाले जैसा ज़रूर है लेकिन किसी समंदर से कम नहीं दिखता ये। तो वहाँ सरहद को महफूज रखने के लिए ये क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज किस तरीके की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और कैसे वहाँ पर इनकी डे नाइट पेट्रोलिंग होती है, चलिए। छाती 56 इंच की, इरादे फौलादी, क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज वाकई कमाल के हैं। जी हां, जी हिंदुस्तान की संवाददाता प्रिया सिंह इन मगरमच्छ कमांडोज का जज्बा और जोश देखकर हैरान रह गई। ये कमांडो ऐसे इलाके में सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं जहां हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हमले का खतरा बना रहता है। हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान से लगे सर क्रीक में हरामी नाला है, ये आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। इस क्षेत्र में 8 किलोमीटर का लंबा खतरनाक दलदल है और ये वाटर चैनल करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत और पाकिस्तान की जल सीमा से लगता हुआ जो चैम्बर है, जो नाला है, उस नाले के ऊपर इस वक्त खड़ी हूँ। बीएसएफ के क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज के साथ इस वक्त मैं हूँ, और मेरे ठीक सामने मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो पेट्रोलिंग बोट है ये क्रोकोडाइल कमांडोज की, बीएसएफ की, वो सामने से आती हुई नजर आ रही है, और उनके साथ ये फ्लीट भी। इसी तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है इस हरामी नाले के ऊपर, क्योंकि इसमें उतरना मुमकिन नहीं है। और ये भी आपको जानकारी दे दूं मैं कि अभी तक अगर गलती से भी किसी भी वजह से कोई भी अगर इसमें गिरा तो वो वापस फिर नहीं लौट पाया है, क्योंकि ये कहने को नाला है, बहुत गहरा है ये और कई किलोमीटर में इसकी चौड़ाई भी है। जहां तक आपकी नजरें जा रही होंगी आप देख पा रहे होंगे इस वक्त कि ये कितना चौड़ा है, ये सिर्फ कहने को नाला है। एडवांस वेपन और अन्य हथियारों के साथ एक स्पीड बोट क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो को पास के टापू पर लाती है। मैंग्रोव और अन्य झाड़ियों से पूरा इलाका ढका हुआ है और इस वजह से किसी भी स्थिति के सामने आने की संभावना रहती है, लेकिन बीएसएफ के जाबाज जवानों की कड़ी नजर से कोई नहीं बच सका। अपने स्वयं के विशेष प्रशिक्षण और पहले से ही बनाई गई रणनीति के अनुसार जवानों का ये समूह झाड़ियों के घने जंगलों में एक तलाशी अभियान चला रहा है। दरअसल में जूते पहनकर सर्च ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। कई ऐसे
चैम्बर्स जो हैं वो निकले हुए हैं और ये पाकिस्तान की तरफ से देखिए हिंदुस्तान की तरफ ये पूरा नाला आता है और इसी वजह से सरहदी ये इलाका है तो इसको महफूज रखने के लिए यहाँ पर इस तरीके से बोट पेट्रोलिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग या किसी भी तरीके से दूसरी पेट्रोलिंग संभव नहीं है। और ये जो पेट्रोलिंग बोट है वो इस वक्त यहाँ पर जारी है और ये पेट्रोलिंग बोट अपनी जो सरहदी अपना इलाका है वहाँ तक जाकर के पेट्रोलिंग करती है। और दूसरा मैं आपको दिखा दूँ, फ्लोटिंग BOPs भी है, जो टेम्प्ररी BOPs हैं वो भी आपको मेरे ठीक सामने नज़र आ रहा होगा। ये इस तरीके से बनी हुई है, ये पूरा मेरे दाहिने साइड में, दीपक इधर ज़रा कैमरा दिखाइए, ये दाहिने साइड में मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये पूरा हिंदुस्तान का ये सरहद का इलाका है जहाँ इस वक्त मैं पहुँचने वाली हूँ इस हरामी नाले को क्रॉस करके, क्योंकि ये नाला जो है देखिए पाकिस्तान की तरफ से इधर आया हुआ है हिंदुस्तान के इलाके में, उसके बाद दूसरी तरफ दाहिने साइड पाकिस्तान का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है। और इस तरीके से जो BSF के यहाँ पर कमांडोज हैं, जो पेट्रोलिंग टीम है, वो बोट से पेट्रोलिंग करके फिर वापस भी आती है और ये तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा पा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो कमांडोज हैं, BSF के जो जवान हैं, वो हमारी सरहदों को महफूज रखे हुए हैं। ये कहने को सिर्फ नाला है, क्योंकि आप भी देख पा रहे होंगे मेरे हर तरफ पानी ही पानी, जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ समंदर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन दरअसल ये है हरामी नाला, क्योंकि यहाँ नीचे भी अगर आप जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे। मेरी कमांडो से बातचीत भी हो रही थी, मुमकिन नहीं है। और कुछ इस तरीके से जो पेट्रोलिंग है वो की जाती है BSF की जो कमांडोज टीम है उनके द्वारा। यहाँ पर दलदली इलाका है ये पूरा, हाई टाइड्स होने की वजह से पानी कभी ज़्यादा कभी कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन जब लो टाइड होता है तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ज़मीन आपको कई जगह पर नज़र ज़रूर आएगा लेकिन एक्चुअल में वो ज़मीन नहीं होती है, वो पूरा दलदल का इलाका होता है जहाँ आप पैर रखेंगे और 6 से 7 सेकेंड से ज़्यादा अगर आप वहाँ पर खड़े हैं तो आपका बॉडी वेट इतना ज़्यादा होगा कि आप उस दलदल में नीचे धंसते चले जाएंगे। और आगे देखिए आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से मड वॉक भी होता है, जो असर क्रीक का इलाका है किनारे किनारे वहाँ पर किस तरीके से मड वॉक होता है और वहां कैसे ये टीम पेट्रोलिंग करती है, आपको दिखाती हूं। आइए, '65 से लेकर के अब तक ये लगातार इनकी यहां पर तैनाती है और इसी तरीके से डे नाइट पेट्रोलिंग होती है। इस वक्त चूंकि दिन का वक्त है और यहाँ इस हरामी नाले में कैसे पेट्रोलिंग होती है बोट के जरिए, क्योंकि यहाँ इस दलदल में उतरना मुमकिन नहीं है। ये आपको कितने फीट, कहीं कहीं 2 मीटर तो कहीं कहीं आपको 25 मीटर तक की जो गहराई है जो वो नज़र आएगी। और इसलिए इस तरीके से सिर्फ बोट से ही यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती है, क्योंकि अगर आप नीचे उतरेंगे तो दलदल है और दलदल में आप एक बार अगर गए और अगर गिर गए तो फिर खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। और कहते हैं कि इसी वजह से इसका नाम भी हरामी नाला पड़ा, क्योंकि अभी तक जो भी इस नाले में उतरा है वो वापस नहीं आ पाया है। और इस वक्त देखिए, क्योंकि पेट्रोलिंग लगातार हो रही है, हाई टाइड का वक्त भी है और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से लगातार इस हरामी नाले के ऊपर निगरानी रखी जाती है, क्योंकि मैं अभी आगे जाकर के आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो मेरे बाएं साइड है वो पाकिस्तान के पिलर्स भी आपको दिखेंगे, जो आखिरी 1175 हिंदुस्तान का जो बॉर्डर जो पिलर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कितने करीब मैं इस वक्त हूँ। ये वो हरामी नाला है, वैसे सुनने में आपको लग रहा होगा नाला, लेकिन देखने में आपको लग रहा होगा कि ये किसी समंदर से कम नहीं है। देखिए इस वक्त चूंकि मैं अभी हरामी नाले में कैसे पेट्रोलिंग होती है बोट पेट्रोलिंग वो मैं करके आई हूँ, लेकिन ठीक ये हरामी नाला जो है ये देखिए पाकिस्तान से इधर से आता है, आगे चल के मैं बिल्कुल वो बॉर्डर लाइन भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये जो दूर तक दाहिने है साइड में आप देख रहे हैं, ये आपको जो बोट्स नज़र आ रहे हैं ये पाकिस्तानी बोट्स हैं, क्योंकि वो उनका इलाका है, बिल्कुल सरहद के पास मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त। और इसीलिए मैं इस बाइनोकुलर से ये देखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये जो बोट्स हैं वो अभी थोड़े दूर हैं क्योंकि वो अपने इलाके में हैं, तो मुझे इस बाइनोकुलर के ज़रिए बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि इस बोट में देखिए ये जो बोट है ये अपने इलाके में अभी इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान के बोट्स हैं दरअसल ये पेट्रोलिंग बोट नहीं है, ये फिशरमैन है, जो मछुआरे होते हैं ये वो हैं, क्योंकि पास में यहाँ पर इनके कोई BOPs नहीं है। इनका जो ये सरहदी इलाका है जहाँ से शुरू हो रहा है दूर तक मैं इस बाइनोकुलर से देख पा रही हूँ।
आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, जो आगे आप चलेंगे तो बीच में जो लाइन खींची हुई है हॉरिजॉन्टली, वहाँ पे पिलर्स लगे हुए हैं और उन पिलर्स पे हरे रंग के झंडे भी हैं। वो मतलब वो पाकिस्तान का एरिया हो जाता है। तो ये वो एरिया है, ये वो इलाका है जो सीधे इंटरसेप्ट करता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, ये जल सीमा है जिसको विभाजित किया जाता है। और उधर देखिए, मैंने बताया था अभी एकदम क्लियर नज़र आ रहे हैं वो चार और एक पाँच बोट आपको नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये जो बोट है ये अपने इलाके में है और ये फिशिंग के लिए आए हुए हैं और ये उधर से पाकिस्तान के एरिया में वापस चले जाएंगे। हालांकि मैंने बाइनोकुलर से देखा तो मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था, कई बार जो बोट है वो बिल्कुल पास आ जाती है। और देखिए अभी आपको पानी यहाँ कम नज़र आ रहा है क्योंकि अभी लो टाइड है, थोड़ी देर के बाद पानी अभी ये बढ़ता चला जा रहा है, थोड़ी देर में कुछ घंटे में पूरा पानी ऊपर तक आ जाएगा शाम ढलते ढलते। और उसके बाद फिर ये जो लाइन है जो मैं बता रही थी आपको कि पिलर है और उसमें हरे रंग का भी झंडा या इस तरीके का निशान भी आपको देखने को मिलेगा, वो पानी में डूब जाता है। कुछ सालों से इस इलाके में पाकिस्तानी मछुआरे जल सीमा का उल्लंघन करते रहते हैं। पाक ने इस विवादित क्रीक क्षेत्र को 2 किलोमीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी एक कृत्रिम चैनल खोदकर मिला दिया है। यहां मई से सितंबर के बीच तेज हवाएं चलती हैं और क्रीक में आने वाला समुद्री पानी में तेज लहरें भी उठाती हैं। स्थानीय कच्छ की जनता इसी इलाके में मौजूद एक नाले को हरामी नाला कहती है। इस तरीके का ये पूरा इलाका आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि ये दलदली जमीन है। यहाँ पर अभी शाम ढलते ढलते पूरा पानी आ जाता है जब हाई टाइड्स यहाँ पर होती हैं। और ये पूरा आईबी का जो इस वक्त बॉर्डर एरिया है वहाँ पर मैं खड़ी हूँ और मेरे ठीक दाहिने साइड में मैं आपको अभी लेकर के चलूँगी, दिखाऊंगी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का आखिरी जो पिलर है, जो बॉर्डर का पिलर है वो मैं आपको दिखाऊंगी। जिसके बाद ये मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ नॉर्थ से ये बॉर्डर लाइन जो है, देखिए जम्मू से शुरू होकर के पिलर नंबर 1 से लेकर के 1175 इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पर मैं खड़ी हूँ। और ये आखिरी पिलर है, बॉर्डर है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को यहाँ ज़मीन को डिवाइड करता है और ये एल शेप में आते हुए यहाँ पर चली जाती है। देखिए नॉर्थ से ये पूरा आईबी का जो ये बॉर्डर है वो आता है और सीधे राइट हैंड साइड में जो सभी यहाँ पर फुटवॉक कर रहे हैं इनके साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जब पानी ज़्यादा होता है तो बोट के जरिए यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है और पानी अभी चूंकि कम है तो यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग होती है, सर्च ऑपरेशन हमेशा यहाँ पर होता रहता है। और यहाँ से सीधा ये दूसरी तरफ ये जो एल शेप में आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान का लैंड है। यहाँ से दूसरे पिलर्स भी आपको स्ट्रेट नज़र आएंगे और इस पिलर की मैं बात कर रही थी जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का सबसे आखिर बॉर्डर एरिया पिलर नंबर 1175 जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रही हूं मैं। दरअसल ये वो बॉर्डर एरिया है सर क्रीक का, वो इलाका जहां पर लगातार क्रोकोडाइल कमांडोज इस एरिया में होते हैं, इस एरिया की निगरानी वो करते हैं। पिलर नंबर 1175 इंडिया का है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, हमारी भारत की जमीन ये दिखाता है। ये हमारा पिलर नंबर है 1175 जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस पे आपको इंडिया लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। ये हिंदुस्तान का वो सबसे आखिर जो बॉर्डर है उस बॉर्डर लाइन पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ और यहाँ की तस्वीर मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। दरअसल यहाँ भी पेट्रोलिंग होती है और कई बार तो हाई टाइड्स जब होते हैं तो पानी इतना ज़्यादा यहाँ पर होता है कि ये पिलर जो है वो पानी में पूरी तरीके से डूब जाता है। हालांकि मार्किंग अलग अलग की हुई है और ये सबसे आखिर पिलर है 1175। इसको अगर किसी भी तरीके से क्रॉस करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, चाहे कोई भी हो, तो फिर वो सस्पेक्टेड होते हैं, फिर उन्हें गिरफ्त में लेकर के उनसे पूछताछ होती है, बाकी चीज़ें होती है। लेकिन ये पिलर है, ये वो बॉर्डर लाइन है, ये वो पिलर है बॉर्डर का जो हिंदुस्तान का सबसे आखिर है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ।
और इस तरीके से जो बीएसएफ के क्रीक कोबरा कमांडोज हैं वो सरहद को महफूज रखते हैं। और मैं, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर है 1175, अगर मैं एक कदम आगे बढ़ा लूँ तो मैं पाकिस्तान की ज़मीन पे चली जाऊँगी। ये आईबी का ये इंटरनेशनल बॉर्डर इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ी हूँ उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसके ठीक दूसरी पार से जो पाकिस्तान की ज़मीन है वो शुरू हो रही है, यानी कि मेरे दाहिने पाकिस्तान है और इस वक्त बाएँ हिंदुस्तान है। ठीक बीच में इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अपने बॉर्डर इलाके में मैं यहाँ पर खड़ी हूँ पिलर नंबर 1175 के पास, और ये सीधा एल शेप में डिवाइड करता है। ये जो ज़मीन आप मेरे ठीक बगल में देख रहे हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं, ये ठीक ये जो ज़मीन मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ जो ठीक मेरे इधर है बगल में है, वो पाकिस्तान की ज़मीन है जहाँ मैं कदम नहीं रख सकती। ये पाकिस्तान की ज़मीन है और मैं इस वक्त हिंदुस्तान के उस बॉर्डर पे मौजूद हूँ, उस ज़मीन पे मौजूद हूँ जो इलाका हमारा है, और हम अपने इलाके में हमारी सरहदें महफूज हैं। किस तरीके से महफूज रखती हैं हमारे बीएसएफ की क्रीक कोबरा कमांडो, उसकी पूरी तस्वीर आप तक मैंने पहुंचाई है, हरामी नाले से लेकर के किस तरीके से पेट्रोल वहाँ पर बोट पेट्रोलिंग होती है, इसके अलावा कैसे बेड सर्चिंग होती है, फुटवॉक होता है, मडवॉक होता है, सारी चीज़ें आप तक लगातार मैंने पहुँचाई हैं। और ये पिलर जो भारत और पाकिस्तान का आखिरी बॉर्डर पिलर है 1175, यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यानी हमारी सरहदें महफूज हैं, हम सुरक्षित हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।